सुबह हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो 4:30 बजे की होती है और वो 9-9:30 बजे तक चलती है हमारी, और फिर शाम को आपने देखा कि 4-4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और 8-9 बजे तक ऐसे ही चलती रहती है क्लास। तो वो कोचिज बनाते हैं, वो शेड्यूल उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे कोचेज बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु परम श्री महावीर सतपाल जी, कोच साहब जी बहुत ध्यान देते हैं हर एक चीज़ का, किस तरह से टेक्निक को बदलना है, किस तरीके से अटैक करने, किस तरीके से डिफेंस करना है, वो समय समय पर वो चेंज करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो जैसे वो बताते हैं वैसे करने की कोशिश करते हैं। कुश्ती खेलते खेलते डिसीजन लेना, क्योंकि सेकंड के कुछ हिस्से में आपने डिसीजन लेना है, दूसरा पहलवान क्या दाव लगाएगा, उसको रोकना, अपना दाव लगाना, तो वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग। टेक्निकल ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड की अब कुश्ती हो गई है और बहुत सोच समझ कर अटैक मारना पड़ता है, डिफेंस करना पड़ता है, सेकंड के समय में हिस्से में सोच के और उस पर अटैक भी करना है और काउंटर अटैक भी करना है, तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टेक्निकल साउंड ज़्यादा तेज, किस किस के साथ हमारी फाइट ओपोनेंट है, जो उनके साथ फाइट होनी है तो उनके वीडियोज पहले ही देखते हैं कि वो अटैक कहाँ लगा रहे हैं, आपको कहाँ से डिफेंस करना है, कहाँ अटैक करना है, तो वो कोचेज पूरा एक अलग से क्लास लगती है, जैसे स्क्रीन पे दिखाते रहते हैं कि ये रेसलर यहाँ अटैक करता है। यही कोशिश है कि हर दिन इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में करें, अपनी टेक्निक में करें, कि वो परेशानी हमें टूर्नामेंट में ना हो, तो उस तरीके की हम ट्रेनिंग करें कि देश के लिए फिर मेडल जीतें।